हेलो नमस्कार, मैं अन्वीशा, हमारे चैनल किचन क्वीन अन्वीशा में आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, हमारी इंस्टेंट भूख का रामबाण इलाज होता है मैगी। बट मैगी में भी अगर हमें थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर मिल जाए, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट मिल जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मैगी, जिसमें मैगी तो ऑफकोर्स होगी ही, बट उसके साथ साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स भी होंगे, जिससे कि हम जब बच्चों को मैगी बना करके खिलाएंगे तो मैगी के साथ साथ हमारे जो हेल्दी वेजिटेबल्स होते हैं वो भी वो आसानी से खा सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए देंगे। जब हमारे पानी में एक बार बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें हमारे आगे के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सो जैसे ही आपका पानी बॉईल होने लगे, आप उसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, ग्रीन पीस, कॉर्न, प्याज और थोड़ा सा गोभी लिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। सो यहाँ पर मैंने ये सारे वेजिटेबल्स डाल दिए। Just give it a good mix. Vegetables डालने के बाद हम इसमें इसका मैगी का जो टेस्ट मेकर है वो डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें हमारी मैगी डाल देंगे। Just give it a good mix after that. Salt इसमें optional है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा टमेटो केचप डाल रही हूँ, अराउंड 1 tablespoon, और उसके साथ ही अराउंड 1 tablespoon मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। सो आफ्टर एडिंग एवरीथिंग इन आवर मैगी, हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। सो गाइस, आफ्टर 4 मिनट्स वी आर रिमूविंग आवर लिड एंड एज यू विल सी, हमारी जो मैगी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। सो गाइस, हमारा वेजिटेबल मैगी बनकर तैयार है, बट ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है ना, तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दें। अब इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने एक पनीर का टुकड़ा लिया है, ये एक कद्दूकस लिया है, और हम बस थोड़ा सा पनीर इसके ऊपर में कद्दूकस कर देंगे और इसे गार्निश कर देंगे। दैट्स इट, हमारी मैगी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसे अच्छे से अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। इनफैक्ट बच्चे इसको इस तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में देख करके और भी ज़्यादा पसंद करेंगे खाना। सो हमारी मैगी बन करके तैयार है। सो गाइस, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर ऐसी कोई भी रेसिपी है जो आप चाहते हैं कि मैं बना करके अपलोड करूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके उस रेसिपी को बना करके आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।